नमस्कार साथियों, साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल सोबरस में। साथियों आपने गाय भैंसे काफ़ी देखी हैं, आज हम आपको भारत के सबसे बड़े घुड़सवार काला फरमाना से मिलवाएंगे, हमारे भाई हैं ये, और इनका एक सर्वश्रेष्ठ एक बच्चा है मारवाड़ी, जो कि बहुत ही उम्दा नस्ल का है और इससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाई ये आगे चल के मारवाड़ी घोड़ों की नस्लों को काफ़ी सुधारेगा। तो साथियों ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आपको मिलवाते हैं। काला भाई राम राम। हाँ काला भाई ठीक ठाक हो? काला भाई पहले तो अपना परिचय दो, कितने साल हो गए घोड़ा लाइन में? घोड़ा लाइन में मेरे साथियों एक तो असव पालक होता है, ब्रीडर जिसको बोल देते हैं, एक व्यापारी होता है, एक असव प्रेमी होता है। साथियों काला भाई भारत के सबसे बेहतरीन घुड़सवार हैं, ये इनकी विशेषता है। बड़ा नाम है इनका, बड़े बड़े ब्रीडर, बड़े बड़े नामचीन असव पालक इनको जानते हैं। घोड़े दौड़ाने में चाहे कदमबाजी हो चाहे गलफ हो, इनका बड़ा नाम है। कहीं भी बच्चा भी कोई असव पालक है तो वो भी काले भाई को नाम से जानता है। तो साथियों आगे की और दो बात काला भाई से पूछें। काला भाई बच्चे के बारे में बताओ, कितनी एज है इसकी? बच्चे की एज इसकी भाई 5 महीने। काला भाई इसका परिचय और बताओ, ये कौन सी लाइन से है, खानदान कौन सा है? लाइन तो तूफान लाइन होगी। तूफान लाइन से है। इसका बाप देवराज रानिया है, दादा इसका दिलबाग रानिया जी जी, और फिर उसका बाप होगा अली खान, उसका बाप तूफान। तूफान प्रॉपर तूफान लाइन, तूफान लाइन से बच्चा। साथियों तूफान लाइन से है मतलब एक तूफान बड़ा सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था, उसकी प्रणाली चली हुई है, उससे संबंध रखता है बच्चा। और एज कितनी होगी कड़ा भाई इसकी? 5 महीने एज होगी भाई साहब कल 18 तारीख को। साथियों बच्चे की एज 5 महीने की है और इसके कट पॉइंट गर्दन आप देखिए, कितनी लंबी गर्दन का और कितने सुंदर कानों का बच्चा है। मुंह के ऊपर पट्टा कितना सुंदर है, और मार्किंग क्या क्या काला भाई? इसकी सबसे मेन विशेषता ये है भाई, अगले दो पैर व्हाइट, माथे ब्लैक है। ये मतलब आप 1000 घोड़े देखोगे ना, हाँ, तो 1000 घोड़ा में एक ही मिलेगा आपको। हाँ ये बहुत शुभ माना गया है। हाँ, लक्ष्मी कदम बोलते हैं। लक्ष्मी कदम। साथियों ये देखियो बच्चे के दो पैर आगे के सफ़ेद हैं और मुंह के ऊपर पूरा ब्लेज पूरा पट्टा है सफ़ेद। तो ये एक बड़ा असव लाइन के अंदर बहुत ही एक शोभा का विषय माना गया है। तो हम काला भाई को बच्चे के लिए बड़ी शुभकामनाएं देंगे कि भाई ये हमारे भाई के घर पे रह के जो है इनका अच्छा नाम करे और नस्लों को काफ़ी सुधारे। तो काला भाई खुश हो बच्चे है? बिल्कुल खुश हैं जी भाई साहब, ये बहुत तगड़ी लाइन का बच्चा है। इसके पहले दो भाई हैं वो भी सतार हैं, और आने वाले टाइम में भगवान से यही कामना है कि इसकी उम्र लंबी करे, ये भी अपने टाइम का सतार होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी लाइन का साथियों बच्चा है। साथियों घोड़े भी आदिकाल से मानव के साथ रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं इन्होंने मानव के साथ, बहुत मानव जाति का बहुत सारा बोझ इन्होंने अपने पीठ के ऊपर लादा है। अब साथियों वो समय है इनको भी मानव के साथ थोड़ी जगह चाहिए। साथियों मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी एक बड़ा चेतना का पशु है, गाय के बाद में घोड़ा जो है, आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है विषय मिलेगा, गाय के बाद चेतना का जो पशु होता है असव होता है, इसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सी क्वालिटी होती है। और इसकी एक विशेषता ये है, जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है वो बड़ा खुश मिजाज और साथियों डिप्रेशन मुक्त हो जाता है। तो साथियों अब ज़्यादा समय आपका मैं लूँगा नहीं, अब काला भाई को मैं जो है
बच्चे की बधाई देकर और जो है वीडियो ख़त्म करता हूँ। साथियों, चैनल बिल्कुल नया है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।